क्या कर रहे हो वीर? मिल्क पी रहा हूं। अरे आप भूल गए कवचप्राश खाना? नहीं, चवनप्राश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेटे ये चवनप्राश नहीं है, ये है ऑन एंड ऑन का कवचप्राश, जो कि इतना बेनिफिशियल है, जिसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट है और जिसके अंदर इतने अच्छी जो है इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपको ज़रूर खाना चाहिए अबीर। थोड़ा उधर हो, मैं आपको इतनी चीज़ के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी देखो, ये है ऑन एंड ऑन का कवचप्राश, जो कि है हमारा प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और मैं आप सबको अपनी रिसर्च बताता हूँ इसके ऊपर जो मैंने करी है, और जिससे आपको पता लगेगा कि ये आप लोगों को डेली खाना कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको भी इसके इम्पॉर्टेंस बताता हूँ, मेरी जो रिसर्च है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं। बच्चों सबसे पहली चीज़ है इसमें है दशमूल। अब ये दशमूल क्या होता है? बड़ा अजीब सा नाम है दशमूल। दशमूल क्या होता है? दशमूल एक ऐसी हर्ब होती है, ऐसी औषधि, ऐसी जड़ी बूटी है बच्चों, जिस जो स्वेलिंग कम करता है, आर्थराइटिस को ठीक करता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है अबीर, जिसको ऐसा आपको पता है कि दादी को घुटनों में दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद ये डिटॉक्सीफायर भी होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो दशमूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी चीज़ में नहीं मिलती। फिर इसमें है गोक्षुरा। गोक्षुरा जो है हमारा स्टेमिना बढ़ाता है। आपको अगर 10 किलोमीटर भी रनिंग करनी है तो गोक्षुरा उसमें आपकी हेल्प करेगा। ये बड़े बड़े एथलीट भी लेते हैं। बच्चे इसमें है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक इतना इम्पॉर्टेंट हर्ब है, लोगों को लगता था कि ये इतना जो है वो सिर्फ एक दो पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके तो मल्टी यूजेज़ हैं। ये जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो हमारे बहुत बहुत टाइम पुराना एक जो है वो हर्ब है। ब्राह्मी जो है वो हम लोग भी खाते थे ताकि हमारी याददाश्त स्ट्रांग हो, हमारा जो है माइंड शार्प हो। तो आप लोगों को, आपको तो ये ज़रूर खाना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके अंदर है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो किडनी और लीवर के इन्फेक्शन को होने नहीं देता। इसमें है पिपली, जो डाइजेशन इंप्रूव करता है, लंग्स के इंफेक्शन को रोकता है। इसलिए ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का, पिपली। उसके बाद इसमें है दालचीनी। दालचीनी बहुत ताकतवर चीज होती है, जो हमें डायबिटीज में भी हेल्प करता है, जो कैंसर नहीं होने देता, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केसर। केसर डालने की वजह से इसका टेस्ट भी इतना अच्छा लगता है, इतना यूनिक है। जो केसर होता है वो हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर्स को अच्छा रखता है और हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है। तो इतना कुछ है अभी इसके अंदर। अगर आप ये नहीं खा रहे तो इसका मतलब यू आर डूइंग अ वेरी बैड थिंग। तो मेरे को प्रॉमिस करो अबीर, और आप लोग भी प्रॉमिस करो कि ये जरूर खाएंगे डेली मिल्क के साथ एक चम्मच, ठीक है अबीर? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। चलो आप लोग भी ये जरूर खाना, और इसका नाम है ऑन एंड ऑन का कवचप्राश, जो कि एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। थैंक यू, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।